नमस्कार, आनंद दरबार ते छोटा सेवा मंडल आनंद धाम ते छोटा सेवा मंडल या फेवरब्लॉकच्या कामाची आज सिंधी कॉलनीमध्ये सभा झालेली आहे। येणाऱ्या 18 तारखेला गुरु नानक जयंती आहे आणि दोन्ही गुरुद्वारे जे आहेत त्यांच्यासमोर हा मुख्य बाजारीचा रस्ता आहे। इथे फेवरब्लॉक बसवण्याचं काम आमदार नेत्यांना सुरू झालेलं आहे। या भागातलं बरंचसं काम दोन्ही नगरसेवक जे आहे निकी पात्रा आणि अजय नगराने त्यांनी बरेचसे कामं या भागातली केलेली आहे आणि मला वाटतं भुसावळमध्ये सगळ्यात जास्त कामं या भागात झालेली मला आढळून आलेली आहे। अशीच चांगली कामं यांनी करावी अशी सगळ्यांना शुभेच्छा अतिशय देतो। धन्यवाद। जय श्रीराम। आज प्रभाग क्रमांक 21 के नगरसेवक माननीय श्री रमेश कागा नगरानी और श्री पुष्पा आंटी बत्रा इनके मार्गदर्शन के अनुसार हम सिंधी कॉलोनी में पहले से ही नगर पालिका के माध्यम से काफ़ी रस्तों का काम किया है, पर कुछ मुख्य मार्ग ऑलरेडी ये रस्ते के बाकी थे। आमदार संजू भाव सावकर के हम प्रयास से उनकी नीति से हमारा यहाँ पेवर ब्लॉक मंजूर हुआ है, छोटा सेवा मंडल से लेके आनंद धाम दरबार तक। और खुशी की ये बात है कि ये काम का आज जो शुरुआत हुई है, आने वाले 8 दिन में जो भगवान गुरु नानक जयंती जी का उत्सव है उसके पहले ये काम पूरा होके लोगों को यहाँ आनंद और खुशी और गुरु नानक जयंती जी का उत्सव यहाँ जो लंगर होता है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा और खुशी की लहर होगी समाज में। और आगे ही हम ऐसे समाज में काम करेंगे और सबको खुश करने का प्रयास करेंगे। जय झूलेलाल। आज प्रभाग क्रमांक 21 सिंधी कॉलोनी भाग में आमदार संजय सावकरे इनकी स्थानिक विकास निधि से हमारे प्रभाग के सिंधी कॉलोनी भाग में रास्ते पेवर ब्लॉक करने का काम का उद्घाटन श्री संजय सावकरे के शुभ कमलों से किया गया और बाबू ने हमारे पूरे वार्ड के लिए 50 लाख का निधि मंजूर किया है और आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। नगर पालिका के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को वार्ड के ये बोलना चाहूँगा कि प्रभाग क्रमांक 21 का हम एक भी रास्ता पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास निधि मंजूर करा के और भी आपके आगे अपने काम रखेंगे। हाँ।